नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है घनश्याम मुलानी और आप देख रहे हैं विश्व भारती। विश्व भारती चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हमने सोचा कि हमारे पास जो जानकारियां आ रही है उसमें से हमारे दर्शकों के आर्थिक लाभ यानी आर्थिक फायदे की जो जानकारियां हैं वो हमारे सभी दर्शकों के सामने रखी जाए। क्या है वो जानकारियां? आजकल आप तो सभी लोग जानते हैं कि किस तरह से बैंकिंग ऑनलाइन हो चुकी है, लेकिन अब एक नया ट्रेंड चला है बैंक बोनस का। क्या है ये बैंक बोनस? तो इसके ऊपर हम आपको जानकारियां आज आपके सामने रखने जा रहे हैं, जो कि मुफ्त में मिलता है। मुफ्त में यानी कैसे? आपको उसके लिए कुछ खास मेहनत नहीं करनी पड़ती है, आपको बस बैंक में खाता खुलवाना होता है। और बोनस कितना मिल सकता है? $60 से लेकर के $5,000 तक, US डॉलर की बात हो रही है दोस्तों। यानी इस तरह के स्कीम्स बैंक बोनस के आज मार्केट में आए हुए हैं। क्या है ये सारी जानकारियां, ये तो हम आपको बताते हैं, लेकिन छोटे मोटे बोनस यानी रेफरल बोनस यानी आपके परिवार के सदस्य को इंट्रोड्यूस करके अकाउंट खोलना, इसके लिए भी $25 से लेकर $100 तक का इंसेंटिव यानी बोनस, बैंक बोनस रखा गया है। हम आपको अब इन शॉर्ट आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां रखेंगे इसी बैंक बोनस के बारे में जो हमने प्राप्त की है। आप जहां पर हो, जिस भी देश में हो, जहां पर भी आप रहते हो, वहां पर आपके बैंक के पास या आपके नजदीकी बैंक के पास ये सुविधाएं उपलब्ध हैं या नहीं, इसकी पहले आप जांच कर लीजिए, खातरी कर लीजिए, फिर इस पे आप आगे काम कीजिएगा और अपना लाभ करके लीजिएगा। क्या है ये सारी महत्वपूर्ण जानकारियां अभी हम आपको दे रहे हैं। हमें जो जानकारियां प्राप्त हुई है उस हिसाब से ये मालूम हो रहा है कि सादे से सेविंग बैंक अकाउंट पर सिटी बैंक $5,000 का बैंक बोनस दे रहा है, अप टू 5,000 यानी $5,000 तक। दूसरी एक TND बैंक है, वो $200 बैंक अकाउंट ओपनिंग के दे रही है, $200। तीसरा एक डिस्कवर बैंक है जो $200 तक यानी US डॉलर तक $200 तक बैंक बोनस दे रही है। उसके बाद एक अलायंट क्रेडिट यूनियन है जो कि $100 का बैंक बोनस दे रहे हैं, लेकिन वो एक साल के बाद दे रहे हैं यानी खाता खुलने के। इसकी क्या शर्तें होती है इस पर हम बाद में आएंगे। इसके बाद एक और बैंक है जिसका नाम बताया जा रहा है BMO हैरिस, और ये $60 तक बैंक बोनस दे रहे हैं यानी सिर्फ एक खाता खोलने के। इनकी क्या शर्तें होती है नहीं होती है उस पर हम बाद में आएंगे। फिर हम आते हैं बिजनेस अकाउंट पर यानी करंट अकाउंट। उसमें एक बैंक है जिसका नाम बताया जा रहा है हंटिंग नेशनल बैंक, जो कि $100, $100, $400 और $1,000 सिर्फ खाता खोलने के दे रहे हैं। इसके व्यतिरिक्त एक और बैंक है जिसका नाम बताया जा रहा है PNC बैंक, और ये $200 या $500 बैंक बोनस के तौर पर दे रहे हैं सिर्फ खाता खोलने के। वो खाता खोल करके क्या उसके प्रोसीजर है वो हम आपको थोड़ी सी जानकारी देंगे। इसके बाद एक और बैंक है चेस बैंक, जो कि $300 बैंक बोनस दे रहे हैं। इसके व्यतिरिक्त एक्सॉस बैंक है जो $100 या $200 बैंक बोनस दे रहे हैं। और आपके रेगुलर अकाउंट के लिए यानी जो आप नॉर्मली यूज करते हो रोजमर्रा में या कुछ दिनों में, उस बैंक अकाउंट के लिए अलग यानी इसे कहा जाता है, तो उसके लिए ये दे रहे हैं। प्राइवेट क्लाइंट के लिए चेस बैंक वाले दे रहे हैं $200 का बैंक बोनस। सिटी बैंक ये $2,000 तक का बैंक बोनस दे रहे हैं। हंटिंगटन नेशनल बैंक जो है वो लगभग $600 तक का बैंक बोनस उसके लिए दे रहे हैं। पीएनसी बैंक ये ऐसे अकाउंट के लिए $400 तक का बैंक बोनस दे रहे हैं। इसके सिवा एक और बैंक है BMO बैंक, जो $350 तक का बैंक बोनस दे रहे हैं। सोफी ये $250 तक का बैंक बोनस दे रहे हैं। इसके सिवा ये जो एक चेस बैंक है ये $200 तक बैंक बोनस दे रहे हैं, लेकिन अगर स्टूडेंट हो तो उन्हें भी 100
यूएस डॉलर तक का बैंक बोनस स्पेशली दिया जा रहा है। इसके सिवा एक और बैंक है M&T बैंक, ये अप टू 200 यानी $200 तक बैंक बोनस दे रहे हैं। ये सारे यूएस डॉलर की बात हो रही है दोस्तों। वेल्स फार्गो नाम की बैंक है, ये भी $200 तक का बैंक बोनस दे रहे हैं, तक का नहीं $200 दे रहे हैं यूएस डॉलर्स। और बैंक ऑफ अमेरिका है, ये भी $100 का बैंक बोनस दे रहे हैं। अब ये बैंक आपको क्यों पैसे दे रही है, ये एक आपके साथ जब ये अकाउंट खोला जाएगा तो उसमें खाते के खोलने के समय उसमें आपके साथ कुछ एक छोटा सा एग्रीमेंट किया जाएगा कि आपका एक मिनिमम अमाउंट इतना हमारे बैंक में आने वाले एक महीने तक या दो महीने तक या तीन महीने तक यानी 30 दिनों से लेकर 90 दिनों तक की जो अवधि होगी उतना मिनिमम डिपॉजिट आपका अमाउंट हमारे बैंक में रहेगा और उसके ये पैसे दिए जा रहे हैं। यानी बैंक खातों का तो उपयोग हम सभी करते हैं, लेकिन अगर एक खाता खुलवा करके और किसी सेफ बैंक में यानी जो स्टेबल बैंक हो, स्थिर बैंक हो, उसमें अगर खुलवाया जाए जहां पर रिस्क नहीं हो, तो ऐसी जगह पर अगर आपको इस तरह का बैंक बोनस की प्राप्ति हो रही है तो इसमें आपकी आर्थिक वृद्धि ही हो रही है। साथ में बैंक में जो पैसे रखे जाएंगे उस पर जो कानूनी तौर पर यानी कानूनी तरीके से जो ब्याज आपको प्राप्त होगा उसकी तो प्राप्ति होगी ही होगी, लेकिन ये उसके ऊपर एडिशनल आपको आर्थिक लाभ हो रहा है यानी फाइनेंशियल बेनिफिट दिया जा रहा है। तो आप जिस भी देश में हैं वहां पर आप इस बारे में जानकारी लें। और आजकल तो ये जो ऑनलाइन बैंकिंग है ये भी लगभग फ्री हो चुकी है, इस पर भी काफी सारे स्कीम्स उपलब्ध हैं मार्केट में, तो आप उसकी भी जानकारी आपके आसपास के बैंक से प्राप्त करने की कोशिश करें और इसका भी ज्यादा से ज्यादा आप लाभ उठाने की कोशिश करें। तो ये सारी जानकारियां हमें लगा कि अपने दर्शकों के सामने रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि बाय द वे करंट अफेयर्स की जानकारियां तो हम आपके सामने हमेशा रखते ही रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर इस तरह की जानकारियां अपने दर्शकों के सामने आए और वो इस चीज का कहीं ना कहीं अपने जीवन में अपने परिवार के लिए कुछ ना कुछ लाभ उठा सके, तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। तो इसी वजह से हमें लगा कि ये जो सारी जानकारियां आई है हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ये जो सारी योजनाएं चल रही है काफी सारे देशों में चल रही है और अनगिनत बैंकों के द्वारा ये सारी सुविधाएं दी जा रही है, तो इसके लिए ये जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा सही तरीके से यानी बैंक की स्थिरता को ध्यान में रखते हुए उसकी पूरी जानकारी प्राप्त करने के बाद आप ऐसी सारी योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाने की कोशिश करें, ये आप सभी से हमारी विनंती है। तो ये सारी जानकारियां आपको कैसी लगी ये तो आप जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। साथ ही साथ अगर आपको ये जानकारियां अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, और अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये आप ही का विश्व भारती चैनल है, इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो। नोटिफिकेशन के बटन को आप प्रेस करके ऑन कर दीजिए ताकि आपको सबसे पहले हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो और आप सबसे पहले हमारे वीडियो देख करके सही सही जानकारियां प्राप्त कर सके। आप सभी लोगों ने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, जय मां भारती।